आज मुस्लिम राष्ट्रीय मन के एक सौभाग्यपूर्ण बात है ये कि 500 मुस्लिम समाज के लोग आज ये पवित्र धरती प्रयागराज से चलकर यहाँ पे अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए आए हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मन के तमाम सारे कार्यकर्ता और पूरे राष्ट्रीय संयोजक के साथ जो मुल्क माधव हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला काम कर रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मन, उसके तत्वधान में जो एक इसी पे एक शायर कहा गया था कि हर काम के वजूद पे नाज अहले नजर समझते इनको इमाम हिंद, ये देश की एक तरक्की की बात है, मुल्क ईमानदारी हिंदुस्तान के आगे जिंदाबाद जिंदाबाद। रामलला जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जितने भी कार्यकर्ता है, पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता यहाँ है, लगभग 600-700 के करीब संख्या है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, थोड़े इधर उधर हो गए लेकिन 700 के लगभग संख्या है और उसके साथ मिलकर हम लोग सब, हमारे बहुत अरसे से ये प्रोग्राम चल रहा था, हम पिछले 15 साल से हमारी तमन्ना थी हमारी आस्था थी कि भाई किसी भी तरीके से ये मंदिर बनना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा जिसके प्रतीक श्री राम हैं उनको हमारा बना रहना चाहिए और राम मंदिर का जो हक जिनको था उनको मिल गया, आज रामलला विराजमान है, इससे बढ़कर हमारे देश के लिए और हमारे देश के सभी समाजों के लिए सबसे खुशी की बात है। अब हमारे देश के लिए हमारी कामना है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाए, हमारा देश एक विश्व गुरु था फिर से विश्व गुरु बने और उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये कामना करने के लिए आए हैं यहाँ पर और हमारी हमारी सबकी इच्छा है कि हम सब इस देश के अंदर सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ हम लोग रहेंगे, ये हमारा मानना है और इस चीज़ को लेकर हम सब लोग आए हैं।